आपके कॉपी की तरह। अच्छा हरियाणा के जो लोग होते हैं बहुत भारी जवाब होते हैं, हम लोग हरियाणा में ही हैं क्योंकि आप ही हरियाणा के, बिल्कुल। तो मुझे भाई साहब पता चला कि वहाँ के जो लोग होते हैं वो बहुत हाजिर जवाब होते हैं, वो जवाब उल्टे देते हैं। मैंने कहा गलत, वो जवाब उल्टे नहीं देते बल्कि आप लोग सवाल उल्टे करते हैं। अब एक हरियाणा के बस अड्डे पर एक लड़की खड़ी थी कॉफी की तरह, उसने पीले रंग का सूट पहना हुआ था और उस पीले रंग के सूट पे कोई 50 साल हवाई जहाज प्रिंट थे। एक हरियाणा का घना छोकरा बड़ी देर से लड़की को घूरे जा रहा था। जब 10-15 मिनट हो गया लड़की से बर्दाश्त नहीं होने लगी कि ओए अभी लड़की ना देखी, तो हरियाणा का छोकरा बोला लड़की तो गनेरी देखी, इतना सुंदर हवाई अड्डा पहली बार देख रहा। अब अपनी आदत जैसी होती वैसी बात करते हैं। हरियाणा का एक बस कंडक्टर, उसकी शादी हुई तो आग रात वाले दिन जैसी रूम में पहुंचा बीबी पलंग के बीचों बीच बैठी थी, देख कर कहता अरे एक साइड हट जा, दो सवारी और बैठी थी। अच्छा हनीमून मनाने चले गए ये गोवा। जब गोवा गए तो चर्च में भी गए, जब चर्च में गए तो हरियाणा का जो आदमी था उसकी धर्म पत्नी ने ईसा मसीह के सिर के पैर छुए, जब पैर छुए तो पति चढ़ गया। तूने आज तक कभी ऐसे मेरे पैर न छुए? पत्नी धीरे से बोली तू भी लटक जा। हमारे दोस्त हैं अमित जी, रजत जी, बड़े अच्छे कलाकार हैं। एक बार मेरे साथ एयरपोर्ट पे जा रहे थे हम लोग बैंगलोर प्रोग्राम लेने, मुझसे कहने लगे रजत मैं प्रदीप अभी आया एक मिनट। मैंने कहा ठीक है। ये वॉशरूम गए, अंदर से जैसी बाहर आए इनकी कमर झुक गई, ये ऐसे चलने लगे। बोले यार पता नहीं मेरे को क्या हो गया। मैंने कहा यार तुम अच्छे खासे वॉशरूम गए, बाहर कैसे निकल गया, ये कमर को क्या कर लिया? बोले यार मुझे भी नहीं पता क्या हो गया। बोले यार डॉक्टर देखो। मैंने कहा डॉक्टर तुम्हें मिलेगा नहीं, कहाँ मिलेगा यहाँ पर एयरपोर्ट पे? बोले फिर क्या करूँ। मैंने ऊपर से नीचे तक इनको देखा, मैंने कहा दोबारा वॉशरूम जाओ। ये दोबारा वॉशरूम गए, फिर वापस आए एकदम सीधे बिल्कुल। कहने लगे यार तुमने तो बिना डॉक्टर के मुझे ठीक कर दिया। मैंने कहा डॉक्टर वॉक्टर छोड़ो, दरअसल तुमने अपनी पैंट का बटन शर्ट में लगा दिया था। ये आजकल की हमारी जो बातें हो जाती हैं हम लोग आपके शेयर। अच्छा इनकी, अच्छा ये शाम को इवेंट भी करते हैं, प्रोग्राम करते हैं और दिन में ये नकली नोट छापते हैं। नकली नोट छापने की मशीन लगाई इन्होंने, ये नकली नोट छापने बैठे तो गलती से 15 रुपए का नोट छप गया। अब जब 15 रुपए का नोट छप गया तो परेशान होकर कह रहे थे क्या करूं। मैंने कहा करना क्या है, जाके मार्केट में चलाओ। बोले यहाँ पर शहर में चलाऊंगा पकड़ा जाऊंगा, क्या करूं? मैंने कहा हरियाणा चले जाओ। बोले ठीक है वहां चला जाता हूँ। ये हरियाणा में चले गए गाँव में, बड़ी बड़ी मूंछों वाले चाचा बैठे थे दुकान पर। मैंने कहा चाचा राम राम। बोले राम राम बेटा। बोले चाचा 15 रुपए की छुट्टी चाहिए? चाचा बोले बेटा 15 की छुट्टी तो दे दूंगा, 1 रुपया कमीशन तक काटूंगा, 14 रुपए दूंगा। बोले यार चलो 1 रुपया कट रहा है 14 रुपए। चाचा के हाथ में 15 रुपए का नोट दिया इन्होंने, चाचा अंदर गए, अंदर से 2 7-7 रुपए का नोट लाके इनके हाथ में दे दिए। अच्छा हम लोग कभी कभी सफर करते हैं, कभी ट्रेन में कभी प्लेन में। एक बार मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, ऊपर की बर्थ पर एक चाचा सो रहे थे और नीचे की बर्थ पर दो प्रेमी प्रेमिका ट्रेन चल रही थी। अचानक प्रेमिका प्रेमी से बोली सुनो मेरे हाथ में दर्द है। प्रेमी बोला लाओ ठीक हो जाएगा। फिर अचानक प्रेमिका फिर बोली सुनो मेरे ना गाल में भी दर्द है। बोले लाओ ठीक हो जाएगा। ऊपर चाचा सो रहे थे नीचे जाके बोले बेटा क्या पाइप का भी इलाज करता है? वही चाचा ऊपर से नीचे उतरे टॉयलेट गए, फिर आए ऊपर जाके फिर सो गए। 2 मिनट बाद फिर नीचे उतरे, फिर गए, फिर आए फिर सो गए, फिर नीचे उतरे, फिर गए, फिर आए फिर सो गए। 10-15 बार ऐसे ही किया इन्होंने। एक मैडम बैठी परेशान हो गई, बोलियो ओ भाई साहब आपको चैन नहीं है? बोले चैन है खुल नहीं रही है। अच्छा बाबा रामदेव ने, आप देखिए पूरे हिंदुस्तान में प्राणायाम का सिलसिला चला दिया बाबा रामदेव जी ने। अच्छा उनके प्राणायाम से कुछ लोगों को फायदे हुए, कुछ लोगों को नुकसान भी हुआ। अभी मैंने दिल्ली में देखा, वहां भी मेट्रो में लोग लगे हुए हैं, ट्रेन में चल रहे हैं, अचानक पीछे से आवाज आती है पलट के देखो आप कोई नहीं, फिर सन्नाटा, फिर मेट्रो चली जाती है, फिर आवाज आई क्या है भाई आसन आसन है तो ग्रहण कर, कपाल भाती है। कपाल भाती है तो भाई मेरी क्यों भाती खराब कर रहा है, सारा कोर्ट खराब कर दिया है कर कर कर। वही 4-5 लेडी नाखून घिस रही थी। मैंने एक मैडम को पूछा मैडम इसके घिसने से क्या होता है? कहने की भाई साहब नाखून घिसने से बाल आ जाते हैं। मैंने कहा अच्छा। उनके बराबर में एक और मैडम बैठी मुंह पे हाथ रखे, मैंने कहा आप नहीं घिन रहे नाखून? बोली मैं नहीं घिस रही भाई साहब। मैंने कहा क्यों? बोली 6 महीने पहले घिसे मेरे मुंह से आ गई। एक आदमी बाबा रामदेव के पास चला गया, बाबा मेरे बेटे को कौन सा आसन सिखा दिया?
जब से यासिन जी के यहाँ लड़की को दुपट्टे की चाल, अरे दुपट्टे की चाल, अब तो ये दुपट्टे भी देगा, क्यों मैंने उसको सिखाया दीक्षा से।